हर आए दिन आप अखबार खोलते हैं, खोलने की जरूरत भी नहीं है, कहीं ना कहीं फर्स्ट पेज पे कुछ ऐसी दर्दनाक न्यूज होती है कि किसी छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो गया, उसको काट दिया गया, मार दिया गया, उसकी बॉडी यहाँ मिल गई, छोटे छोटे बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। तो मतलब और खुद अपना बच्चा हो घर पर, तो ऐसी न्यूज पढ़ के तो ऐसे दिल में चौंक जाती थी मैं, मुझे बहुत दुख और बहुत भय हो जाता था। तो आई स्टार्टेड डूइंग सर्टन थिंग्स विच आई एम हैप्पी टू शेयर एज अ पेरेंट, कि आप भी प्लीज़ इसे फॉलो करिए, कि मैंने कभी अपने बच्चों को अकेले कहीं नहीं भेजा। हाँ मैं जानती हूँ आजकल मोबाइल फ़ोन है, आप बोलेंगे वो मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया, प्लीज़ दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। किसी को साथ में भेजिए, किसी औरत को साथ में भेजिए। मैं अपने बच्चों को कभी अपने ड्राइवर्स के साथ, अपने मेल सर्वेंट्स के साथ कहीं नहीं, कहीं नहीं। और अपने ही बच्चों को, अपने ही बच्चे कभी, क्योंकि सारा वक्त मैं नहीं हो सकती, कोई तो एक औरत उनके पास रहे। खेलने गए हैं कोई बात नहीं, दूर भी खेल रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं, मैंने कहा अपनी नज़र के सामने रखना, बस नज़र में होना चाहिए बच्चे कि कहाँ हैं। दूसरों के बच्चे भी आपके घर आएँ तो ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उन्हें अपने उनके घर सही सलामत पहुंचा दीजिए। सो सेम थिंग आई वुड डू के आए हैं घर, अच्छा ठीक है, फिर मेरा अर्जुन जाएगा साथ में, उसकी मेट जाएगी, उनको वापस घर छोड़ कर आएगी। मैंने उनको जब छोटे ही थे तो तब तो मैं और भी डरती थी, किसी से स्कूल के बाहर जाकर, किसी से स्वीट, किसी अंकल ने दिया, कोई भी हो मत ले, कोई ज़रूरत नहीं। किसी ने कहा कि मैं आपके मम्मी का फ्रेंड हूँ या डैडी का फ्रेंड हूँ, मैं आपको घर लेके जाऊँगा, बिल्कुल हिलना नहीं वहाँ से। मैं अपने बच्चों को बता दे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर इतना ज़रूर फर्मली कह दीजिए, उनको समझ आ जाता है।